एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ की टीम जब बरवारा खास गांव पहुंची, तो पाया कि गांव की सड़कें सीसी टाइल से निर्मित हैं और कुछ खड़ंजे भी हैं। यहां सोलर लाइट और स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जत घर भी बने मिले। आगे बढ़ते हुए टीम प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो वहां भी कार्य निर्माण में चलता मिला। प्रधानपति ने बताया कि गांव को सफाई की बहुत जरूरत है। जो सफाई कर्मी आता था वह अब अधिकारी के यहां काम करता है। इसलिए प्रधानपति ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से जल्द से जल्द एक सफाई कर्मी गाँव में तैनात करने की मांग की है। मैं बरवाला खास प्रधानपति मिले, तो जो भी मतलब गांव में विकास कराया है, सूर्य लाइटें लगवाई हैं, उसकी सरकारी लाइट की लाइटें लगवाई हैं खंभों पे, उसके बाद टाइल्स जो रास्ते में बिछी हैं वो तुम्हें देख ही रहो, तुम जिन जिन रास्तों पे टाइल्स लगवाई है, और बाकी मेरा काम चल रहा है सरकारी स्कूल का, और उसके बाद ये बीच में गाँव का रास्ता है एक बहुत बड़ा, उसे पार करा रहे हैं। जिस तरीके से पैसा आ रहा है उसी तरीके से काम करा रहे हैं। अब उसमें यह है कि अधिकारी थोड़ा सा ये उलझा रहे हैं कि मैंने शौचालय बनवा दिए हैं, उनका पैसा नहीं मिला अभी तक। क्या हम प्रधान बने हैं, एक भी दिन नहीं आया यहाँ, और उनकी जब रिपोर्ट निकाली हमने तो पता ही चला कि किसी अधिकारी के यहाँ, तो दोनों एक 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 अधिकारी के यहाँ और एक एक अधिकारी के यहाँ, दोनों के यहाँ हुआ है अधिकारी के लगे हुए। गाँव में गंदगी है। मेरा नाम शिमला है, ब्लॉक मुंडा पांडे है, और गाँव बरवाला खास है, और मैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं केंद्र पर और उन्हें पुरस्कार दे बांटते हैं और पढ़ाते हैं, उन्हें साफ सफाई कराते हैं, उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं और